हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने नई सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर की। इसको देखिए, करंट अफेयर की कहीं भी कमी नहीं है। यूट्यूब से लेकर के हर जगह आपको करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर आपको खुद से पढ़ना है और खुद से उसको प्रिपेयर करना है। इसीलिए मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको खुद से सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे न्यूज़पेपर को पढ़े, किस तरह से करंट अफेयर को प्रिपेयर करें, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए। ओके, तो न्यूज अगर आपको कहीं भी मिलती है यूट्यूब से लेकर के न्यूज़पेपर, तो उसको अपने आप एनालिसिस करिए, आपके क्या इंपॉर्टेंट की चीजें हैं वो आप लोग सीखेंगे। तो इस सीरीज को मैं ज्यादा दिनों तक नहीं चलाऊंगा, सिर्फ 2 से 3 महीने तक ये सीरीज चलाऊंगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से न्यूज को पढ़ना होता है, कौन कौन सी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट की होती है, कौन सी न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट की नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट की है, किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। ये सारी चीजें अब जब आप लोग सीख जाएंगे, तब मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगा। ओके, तो आप लोग देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अगर आप लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके, तभी आप लोग एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो मैं आपको यही चीजें सिखाऊंगा सारी। तो इस सीरीज में आप लोग क्या सीखेंगे कि न्यूज़पेपर को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें। तो 2 से 3 महीने में आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और स्मार्ट तरीके से कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें। ओके, तो न्यूज़पेपर है, आप लोग जानते हैं, आम लोगों के लिए बनाया गया है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम करते हैं उन लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया ना। तो आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट की है, किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से पेज होते हैं, कौन कौन से न्यूज होती है आपके इंपॉर्टेंट की होती है, ये सारी चीजें आप लोग हल्के हल्के समझ जाएंगे। ओके, साथ में आपको बताऊंगा जो करंट अफेयर है वो कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप किसी की भी तैयारी करते हैं, आईएएस की, पीसीएस की, तो आईएएस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो उसका अलग अप्रोच होगा। अगर आप लोग एसएससी की या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका अप्रोच अलग होगा। अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसका थोड़ा सा अप्रोच अलग होगा। तो आईएएस और पीसीएस का लगभग में सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। ओके, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस एग्जाम के लिए किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में आप लोग देखेंगे कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए। देखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और किस तरह से बहुत ही अच्छे तरह से सिनॉप्सिस के फॉर्म में आपको मैं नोट्स बनाना सिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको पिक भी दिखाया करूंगा किस तरह से आपको नोट्स बनाने होंगे। तो डेली ये सीरीज आपको मिला करेगी। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि मैंने कहां से पढ़ा है, आप भी जाकर के कहां से पढ़ सकते हैं, ग्रुप में आपको मिल जाया करेगा। साथ में करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं ना, उनको रिलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर का टॉपिक है, ये हमको टॉपिक मिल गया, अब इसे हमें अपने सिलेबस से, अपने टॉपिक से, अदर टॉपिक है, अदर जो सब्जेक्ट है उनसे कैसे रिलेट करना है। तो मैं आपको रिलेट करना सिखाऊंगा। तो किस किस से? एक आपको अदर सब्जेक्ट है उनसे रिलेट करना सिखाऊंगा, साथ में मैपिंग के थ्रू इसका रिविजन कराया करूंगा। तो सभी टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से आपको रिलेशन आ जाएगा, आप खुद से करने लगेंगे। तो इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, एक दो महीने के बाद आप लोग खुद से करने लगेंगे। ओके, साथ में जो आपको न्यूज़पेपर में कैसे फाइंड करना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए, कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप लोग सीख जाएंगे 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से। और साथ में आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे स्पोर्ट न्यूज होता है वो यूपीएससी में पूछता ही नहीं है, 0 क्वेश्चन आता है, अगर आप उस पर 2 से 3 घंटे दे रहे हैं तो ये वेस्टेड ऑफ टाइम हो गया ना। एंटरटेनमेंट वाली न्यूज होती है उन पर अगर आप टाइम दे रहे हैं, या फिर सिटी न्यूज होती है उन पर आप लोग टाइम दे रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल भी वेस्टेड ऑफ टाइम हो गया। तो उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। तो कौन सी न्यूज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिन्हें आपको घोल के पी जाना है, वो नोट्स कैसे बनाने हैं आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम लोग आज पहली न्यूज देखते हैं, और देखिए इसी के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये 3 दिन पहले आई थी, दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा है, तो आप लोगों ने भी दैनिक जागरण पढ़ा होगा, मैं आपको सेंड करता था, तो उसको किस तरह से नोट्स बनाने और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट की थी, वो इतनी बड़ी न्यूज थी, आप उसको 4 लाइनों में लिख करके आराम से काम अपना चला लेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो आई है 2021 में आ गई है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट थी वो एक न्यूज़पेपर छोटी सी कटिंग के रूप में आई, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नोट्स बनाने, इस तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाना है। साथ में इसे मैं आपको मैप पर आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से बहुत ही आसानी से इसको मैपिंग से रिलेट करना है और आप आसानी से याद कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और कहाँ कहाँ आपको देखना है। तो कोई भी देखिए, एक रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट को मैं पढ़ा दूंगा ना, इसके बाद कोई भी रिपोर्ट आती है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी रिपोर्ट हो,
अप्रोच सेम होगा। तो आज आप एक अप्रोच समझ जाएंगे जो भी रिपोर्ट होगी ना उससे संबंधित। ओके, तो आप इसके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा साथ में कि इसे रीजन वाइज भी, जो जिस भी रीजन में हम लोग रहते हैं उसमें भी स्कोर एक बार देखना होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कवर कराऊंगा। ओके, चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। ओके, तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट क्या है, आपको न्यूज़पेपर में इस तरह से कटिंग दिखी होगी, तो आपको सिर्फ जो हेडिंग होती है वो लिख लेनी है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021, 2021 में एक इंडेक्स आया, हर साल आता है। अब आपको किस तरह से पढ़ना है, इसमें आपको इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाना है। ये फ्रेमवर्क बनाएंगे ना तो बहुत ही आपको हेल्प लेगी, पेपर के टाइम आप क्विक रिविजन कर पाएंगे और आपको ध्यान रहेगा कि क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट की होती है। तो आप लोग परसों का न्यूज पेपर खोल लीजिए, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। आपको फर्स्ट पेज पर उसको छोटा सा हेडिंग है, फिर आप कहीं किसी पेज पर उसमें दिया रखा होगा तो पेज नंबर आप लोग जाइए, जंप कर जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट था, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा क्या है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, तो आपको समझ में आएगा जो स्त्री पुरुष है, इस तरह से आपको छोटा सा लिख लेना है। ओके, जो स्त्री पुरुष होते हैं मतलब मेल और फीमेल होते हैं, इनके बीच की जो समानता होती है उसको दर्शाता है। ओके, तो जो इक्वलिटी होता है उसका रिलेशन दिखाता है। तो किसके किस में दिखाता है, भारत के अंदर दिखाता है या फिर पूरे वर्ल्ड में दिखाता है? तो ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, तो ग्लोबल का मतलब ही होता है वैश्विक, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे दिखाता होगा। तो इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, तो वर्तमान में 156 देश हैं जिनकी रैंकिंग दिखाई जाती है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। अब बात आती है इसको कौन जारी करता है, कौन इसे रिलीज करता है, तो आपको दूसरा तुरंत देखना है इसको कौन रिलीज करता है। देखिए, यही इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें बहुत बड़ा आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, तो उसमें से क्या क्या चीजें निकालनी है। अब आपको देखना है एक कोई भी रिपोर्ट आई है, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो, तो आपको पहले देखना है वो क्या है, दूसरा देखना है उस रिपोर्ट के बारे में उसे कौन रिलीज करता है, कौन सी संस्था उसको रिलीज करती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसे रिलीज करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी इंडेक्स है, वो कौन जारी करता है। तो इस तरह से फ्रेमवर्क बनाइए। ओके, अब इसमें रिपोर्ट जारी की, अब रिपोर्ट का आधार क्या है। ओके, जैसे इन्होंने रिपोर्ट एक इंडेक्स जारी किया, इस इंडेक्स को किस आधार पर वो लोग निकालते हैं, कोई तो प्रक्रिया, कोई तो प्रोसेस होता होगा, चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमने देखा कि आखिर ये इंडेक्स बनाया जाता है किस आधार पे बनाया जाता है, तो वो आधार हम लोगों ने देख लिया। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो चार आधारों पे निकालती है, चार आधार देखती है किसी भी देश के अंदर कौन कौन से हैं। नंबर एक, आर्थिक भागीदारी देखती है, मतलब महिलाओं और पुरुषों की कितनी भागीदारी है इसमें, महिलाओं की भागीदारी कितनी है, पुरुषों की कितनी है। दूसरा वो पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि शैक्षणिक उपलब्धता क्या है, मतलब उपाधि क्या है। ओके, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन में जो महिलाएं हैं उनका स्टेटस क्या है, स्टेटस यहाँ पर देखा जाता है जैसे महिलाएं हैं कि उनका शिक्षा का स्तर क्या है उस देश में। साथ में आप देखेंगे तीसरा इसमें पॉइंट उन्होंने लिया है स्वास्थ्य। ओके, जो हेल्थ है उसको भी लिया कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। ओके, उनके लिए कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका देखा जाता है जीवन स्टाइल देखा जाता है, लाइफ स्टाइल देखा जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक सशक्तिकरण को भी देखा जाता है, मतलब राजनीति में भागीदारी महिलाओं की कितनी है, उनको कितने राइट्स मिले हुए हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। इन चार आधारों पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कंडीशन है भारत की, और सबसे पहले आपको देखना होता है कोई भी इंडेक्स या रिपोर्ट है तो उसमें टॉप पर देख लेना है दो चार कौन से हैं और भारत की स्थिति क्या है, और साथ में देखना होता है भारत के आसपास के क्षेत्र हैं वो क्या है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं देखिए यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। अब ये न्यूज है, ये हर साल जारी की जाती है, तो आपको देख लेना है कितनी बार जारी की जाती है। तो जो ये वाली रिपोर्ट है ना, ये हर साल जारी की जाती है, बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं जो 5 साल पे 2 साल पे 3 साल पे 11 साल पर रिलीज की जाती हैं, तो आपको देख लेना है। तो जैसे ये हर साल जारी की जाती है, तो इसमें लास्ट ईयर भी जारी की गई होगी ना, तो 2020 में भारत की जो स्थिति थी वो आप देखेंगे 153 देशों में 112वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था, लेकिन 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो भारत है वो थोड़ा पिछड़ गया है, आपको देखने को मिलेगा 112 से खिसक करके वो नीचे आ गया 140वें स्थान पर, मतलब 156 देशों में से इस बार उसकी जो स्थिति है वो 140वें स्थान पर है।
तो यहाँ पर आपने देखा भारत की जो स्थिति है वो कम हो गई है, ओके, वो अपने जिस पायदान पे था ना उससे भी पीछे खिसक गया है। तो पीछे खिसकने का कारण क्या था? तो इस रिपोर्ट में पीछे खिसकने का कारण आप देखेंगे कि कोरोना के कारण महिलाओं की स्थिति और ज्यादा बेकार हो गई है पुरुषों की तुलना में, इसलिए भारत है वो अन्य देशों से भी पीछे चला गया है। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चार आधार हैं, इन चार आधारों में आपको देखना है किस में ज्यादा जो महिलाओं की स्थिति है वो ज्यादा बेकार हुई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक सशक्तिकरण है, इसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है, ओके। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब उसमें बहुत सारे परसेंटेज दिए रखे होते हैं, तो अगर आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको परसेंटेज ध्यान नहीं रखने हैं, ओके। तो जैसे इसमें 13.5% उसमें परसेंटेज दिया रखा है, तो आप लोग ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मोटा मोटा कोई जो डेटा होता है इंपॉर्टेंट होता है वो आपको रखना है। अब उसमें सभी का डेटा दिया रखा है, तो सभी का आपको याद नहीं रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रख लेना। जैसे राजनीतिक सशक्तिकरण है, सबसे ज्यादा गिरावट इसमें आई, फिर उसके बाद आपको आर्थिक भागीदारी में देखने को मिली कि कोरोना के कारण महिलाओं की भी स्थिति बेकार हुई है, लेकिन महिला पुरुषों की तुलना में ज्यादा स्थिति बेकार हुई है ना, क्योंकि वो अब घर पे आकर के काम करने लगी है, बाहर जाकर के काम नहीं कर पा रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो राजनीतिक सशक्तिकरण में आई है, मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र में आई है। दूसरा आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो इस कारण, तो कारण भी देख लिया ना कि भारत की स्थिति जो गिरी है वो किस कारण गिरी है, तो कोरोना के कारण गिरी है, ओके। किस में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट आई है। तो फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो 65वां स्थान है वो बांग्लादेश का है। तो भारत से आगे कौन कौन है, आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश, भारत के पड़ोसी क्षेत्र भी देख लीजिए, तो आगे भारत से आगे बांग्लादेश है, नेपाल है वो भी भारत से आगे है। भले ही इनकी आप रैंकिंग भूल जाए, बांग्लादेश की रैंकिंग क्या है आप भूल गए, अगर आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। भले ही आप रैंकिंग भूल जाए लेकिन आपको क्रम नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें भारत से कौन आगे है, भारत से कौन पीछे है, तो आपको देखना है, कम से कम आगे वाला तो आपको ध्यान रखना है, ओके। तो बांग्लादेश देखा, ये भारत से आगे है, साथ में आपने देखा नेपाल है वो भी भारत से आगे है, लेकिन जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान वो भारत से पीछे है, आप देखेंगे अफगानिस्तान भी पीछे है, श्रीलंका भी पीछे है, तो कौन से आगे, मतलब क्रम आपको ध्यान रख लेना है, लेकिन भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की तो एटलीस्ट आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए, तो ये फैक्ट है, ये तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसका क्रम आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ओके। अब देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे इसमें स्कोर भी दिया जाता है, तो आप देखेंगे ना स्कोर 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, तो लोएस्ट होता है मतलब सबसे कम होगा वो 0 दिया जाएगा, सबसे हाईएस्ट होगा वो 1 दिया जाता है, तो 1 होता है हाईएस्ट, तो आप लोग ये दे सकते हैं स्कोर होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है। तो इंपॉर्टेंट कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ओके। सभी नहीं ध्यान रखने होते, अगर आप लोग रिपोर्ट देखेंगे तो 405 पेजों में ये रिपोर्ट दे रखी है, 405 पेजों की रिपोर्ट आप समझ सकते हैं, पूरा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में से हम लोगों ने 4 पॉइंट निकाल लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट के थे। तो हमने कौन कौन से निकाले, एक क्या है, तो स्त्री पुरुष के बीच में जो समानता होती है उसको दर्शाया जाता है, साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसे रिलीज करता है, कौन कौन से आधार है, तो इसमें 4 आधार है, इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी स्थिति क्या है हमने देख लिया, भारत की रैंकिंग पिछले साल कितनी थी अब कितनी है, तो कम हुई होगी या फिर ज्यादा हुई होगी, इस बार ज्यादा हुई इस बार कम हुई है, तो कम होने के कारण क्या है, अगर अगली बार हो सकता है ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो बढ़ने के कारण क्या होंगे वो भी आप लोगों को देख लेने हैं, ओके। तो कारण जरूर देख लेना है क्योंकि कारण बहुत बार पूछा जाता है, साथ में देखना है किस में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, सबसे ज्यादा उत्थान किस में आया वो भी आपको देख लेना है। अब इसमें आपने देखा होगा कि आखिर ये बांग्लादेश है इसकी रैंकिंग इतनी ज्यादा अच्छी क्यों, 65वें नंबर पर है, ओके, भारत कहां 140वें नंबर पर, क्या बांग्लादेश है वो इतना ज्यादा विकसित है कि महिलाओं में इक्वलिटी इतनी ज्यादा क्यों होगी, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा कि बांग्लादेश की स्थिति इतनी अच्छी क्यों है, बल्कि वहां भी तो कंडीशन काफी बेकार चल रही है ना, कि मतलब वो भी एक विकासशील देश है, विकासशील देश होने के कारण बहुत सारे चैलेंजेस है उसके साथ में, बहुत सारी वहां पर भी देखिए आप, वो एक मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर कुछ राइट्स वहां पर आपको कम भी देखने को मिलेंगे, फिर भी उसकी रैंकिंग अच्छी क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है वो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। अब देखिए ये रिपोर्ट आपने देखी, अब रिपोर्ट देखने के बाद आपको इसको मैप निकालना है अपना, जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े मैप अपने पास रखें, क्योंकि उसमें से 70% ऐसी न्यूज होती है जो मैप से कनेक्ट हो जाएंगे, मैप के थ्रू आप लोग पढ़ेंगे तो आपका जो
अफर्ट होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए पहले आपने सीख लिया कि हमने देखा कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, तो कोई भी रिपोर्ट आती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर और भारत से उसका कैसा भी कनेक्शन है, इंडेक्स है, रिपोर्ट है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब घोल के एकदम पी जाना है। ओके, और साथ में उसका नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स आप लोग समझ गए कि आपने क्या बनाया, कौन बनाया, ओके, आधार बनाए और न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में क्यों है वो भी आपने देख ली। तो इस तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाने, सिनॉप्सिस बनाना सीख गए। अब हम इसको देखते हैं, रिलेट करना देखते हैं कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेट करते हैं। अब देखिए इस सीक्वेंस से आप लोगों को, अब मैप आपने देखा होगा, एटलस आप लोगों के पास होगा, इस तरह से मैप खोल के रखना है। अब आप देखेंगे ना जो यहाँ की कंट्री है ना, आपको एक लगभग में सभी जो यूरोपियन कंट्री है ना सबसे ऊपर जो देखने को मिलेंगी, इनकी सभी की कंडीशन काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ओके, अब इसके बाद आपको देखना है भारत। अब भारत है, भारत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें भी देखना है कि इनकी क्या इसमें स्थिति है। ओके, इनमें कौन कौन से देश शामिल है, अगर उनकी भी अगर इसमें रिपोर्ट जारी की गई है तो उन्हें देख लेना है कि कौन भारत से आगे है, कौन भारत से पीछे, भारत से कोई आगे है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आइसलैंड है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, ये लगभग में फर्स्ट नंबर पे रहता है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से मैप मिलेगा। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपना कैमरा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड आप यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पर एक से लेकर के यहाँ पर 10 तक दिया रखा है। ओके, तो यहाँ पर डॉट 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 कर लीजिए। अब आपको इसको लोकेट करना है मैप पर। मैप पर कैसे लोकेट करना है, अब यहाँ से आपकी लोकेशन भी क्लियर हो जाएंगी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो भी क्लियर हो जाएगा ना। तो आइसलैंड आपने देखा, तो आइसलैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको आइसलैंड मिल गया। ओके, तो आपको इस तरह से लोकेट कर लेना है, ये फर्स्ट नंबर पे और लगभग में एक कई दशकों से फर्स्ट नंबर भी चला आ रहे हैं, तो आपको एकदम अगली बार भी आएगा तो फिर भी ये फर्स्ट नंबर पे ही देखने को मिलेगा। फिर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा। ओके, आप इसको आपको इस तरह से लोकेट करना है कि फिनलैंड कहाँ पर है, नॉर्वे कहाँ पर है, आपको न्यूजीलैंड कहाँ पर है। अब देखिए ये तो यूरोप के हो गए, लेकिन न्यूजीलैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूरोप सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें छुप गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग लोकेट करेंगे। अब नीचे आएंगे स्वीडन, ये भी आपको ऊपरी देखने को मिलेगा, लेकिन नामीबिया, अब नामीबिया ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ पर होगा, तो आपको ये है देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको नामीबिया देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग लोकेट करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे रवांडा है, अब रवांडा कहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देखिए इस मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका एटलस होगा वहां पर कहीं पर विक्टोरिया आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, विक्टोरिया लेक। ओके, तो विक्टोरिया लेक के पास में आपको देखने को मिलेगा रवांडा। ओके, तो आप यहाँ पर रवांडा देख सकते हैं, लिथुआनिया देख सकते हैं, लिथुआनिया यहाँ पर आपको जो लातविया है ना वहां पर आपको देखने को मिलेगा, रशिया और पोलैंड के पास में यहाँ कहीं पर होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग आयरलैंड देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड होता है ये, तो यहाँ पर ही आप लोग आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो इन सारे लोकेशन को बहुत अच्छे से आप लोग लोकेट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने रीजन में। ओके, अभी तो हमने देखिए बर्ड के परिप्रेक्ष्य टॉप पर कौन है, तो टॉप के जो दो तीन है वो आपको याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने, 10 तक याद नहीं रखने होते हैं, दो तीन आपको याद रख लेने स्टार्टिंग के, आपने याद रख लिए इनफ है। ओके, अब इसके बाद आपको देखना है अपने रीजन के, अपने रीजन के आपको घोल के पी जाना है। अब इसमें इंडिया है, तो इंडिया में देखिए यहाँ पर आपको दिया रखा है जो हमारे रीजन के हैं, तो हमारे रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश टॉप पर है। ओके, बांग्लादेश हमारे रीजन में आपको टॉप पर देखने को मिलेगा। इसी तरह नेपाल दूसरे पर, श्रीलंका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सारी रैंकिंग आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बांग्लादेश आगे क्यों है। ओके, बांग्लादेश है वो भारत से आगे क्यों है। अब यहाँ पर आप देखिए जो बांग्लादेश का ये देखिए जो दिया रखा है ना, ये बांग्लादेश का नीचे दिया रखा है। अब देखिए बांग्लादेश की भी कंडीशन देखिए ज्यादा अच्छी नहीं है, और सारी चीजों में जैसे ये चार चीजें है ना जो मैंने आपको चार आधार बताए थे, जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल। ओके, तो इसमें आप देखेंगे ना राजनीति वाले में जो सातवां स्थान है, इसी कारण बांग्लादेश है वो बहुत आगे पहुंच जाता है। वहां पर आप देखेंगे ना जो शेख हसीना है ना वो कई सालों से पीएम है वहां के, पीएम होने के कारण ही इसकी स्थिति है ना, माना क्योंकि पॉलिटिकल में इतना बड़ा पद, पीएम का पद, ओके, एक महिला इतने दिनों से वहां पर रूल कर रही है, इसी कारण यहाँ पर जो इसकी स्थिति है ना बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, इसी कारण बांग्लादेश बहुत आगे पहुंच जाता है, मतलब 65वें नंबर पे पहुंच जाता है, यही कारण है सिर्फ बांग्लादेश के आगे होने का, वरना वो इंडिया के आसपास में ही होता है। ओके, इतना ज्यादा आगे नहीं होता कि 65वें नंबर पे और इंडिया 140वें नंबर पे। तो इसका क्या कारण है, उसकी जो राजनीतिक वाला जो आधार है ना
वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सबसे इतना ऊंचा पद है ना उस पर एक महिला आसीन है, और साथ में एक दो पद और हैं जिन पर महिलाएं आसीन है, तो इसी वजह से ये वाला पद काफी आगे पहुंच जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया ना, इसमें देखिए एक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया का, मैंने साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का दिखाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे, वैश्विक स्तर पर देखेंगे ना तो 65वां स्थान है, लेकिन आप इसे साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे ना तो ये पहले स्थान पर आ जाता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय क्षेत्रीय स्तर पर भी तो आपको अध्ययन करना है। क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन करने के लिए आपको देखना है कि इसमें कौन पर, देखिए बांग्लादेश पहले नंबर पे आ जाता है साउथ एशिया में, पहले नंबर पर नेपाल है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है, लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 106 नंबर है। तो ये रैंकिंग आप भूल जाइए, ये रैंकिंग आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों याद रखना है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से रिलेटेड है, इसीलिए। तो आपको देखना है कि बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, फिर श्रीलंका है, फिर मालदीप है, फिर भूटान है, फिर इंडिया, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रैंकिंग है, आपको रैंकिंग देख लेनी है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ओके, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। ओके चलिए मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, और मैं देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर एक कोई भी न्यू मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए ये अनाउंसमेंट है, मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो 6 मंथ जिसका ड्यूरेशन होगा, 6 महीने तक ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में मिलेगी। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, एक एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है, वो जाकर के देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए इस ग्रुप में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हैं, या फिर लॉकडाउन हो गया, बार बार कोचिंगें बंद हो जा रही हैं, वो आकर के कोचिंग नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है कि हम लोग कैसे तैयारी करें, क्या हमारे अप्रोच होना चाहिए, कोई थोड़ा सा गाइड करने वाला होता है। यूट्यूब पर आपको वीडियोस तो मिलेंगी, गाइड करने वाला नहीं मिलता। ओके, तो मैं आपको एक ग्रुप के थ्रू एक जैसे कि एक तरह से गाइड करता हूँ, जिससे आप पर बर्डन नहीं होगा। यहाँ पर सभी लोग हैं सहयोग पर आधारित एक ग्रुप है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करता हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आप लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, और ये अभी तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने। साथ में आपको वीकली टास्क मिलता है, तो इस तरह से आपको वीकली टास्क मिलेगा जिसमें बताया जाता है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, और साथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और इसमें मैं कलर भी बताता हूँ कि एक कलर है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि किस कलर का क्या मतलब है, यानी कि कलर का मतलब जैसे ग्रीन कलर का मतलब है कि ये वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इन पर नोट्स भी बनाने हैं, एकदम भूल के पी जाने। लेकिन यहाँ पर आप रेड कलर से देख रहे हैं, इनको एक बार पढ़ के निकल जाना है। येलो कलर से जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, वो उन टॉपिक को आपको एक बार देख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो मैंने इस तरह से मैं आपको गाइड करता हूँ, साथ में बताता हूँ किस चीज का आपको रिविजन करना है, आपका जो टेस्ट होता है वो भी होता है, और साथ में आप लोग न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ते हैं। देखिए न्यूज़पेपर का तो यही अभी सीरीज चल रही है करंट अफेयर, तो इसमें मैं आपका सब कुछ कवर करा दूंगा। साथ में देखिए वेडनेसडे को यहाँ पर टेस्ट होता है, जो टेस्ट होता है ना वो एकदम फिक्स टाइम पर होता है, साथ में 100 क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके एग्जाम हॉल में होते हैं, साथ में ओ मार्कशीट होता है उसी पर आपको देना होता है। ओके, बाद में आपको ग्रुप में सेंड करना होता है। साथ में आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको गाइड करता हूँ, जिससे देखिए आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं बनाता हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड होते हैं, मैं आपको हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सीखें। ओके, तो मैं आपको एक तरह से गाइड करता हूँ, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आपका टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका एक तरह से कोच हूँ, मैं आपको सही गाइडेंस देता हूँ। ओके, साथ में आपके जो टॉपिक वाइज जैसे ये आपको वीडियो मिली ना, तो इसी वीडियो से संबंधित आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगा करके अपने टॉपिक को इनहांस कर सकते हैं। साथ में जो करंट अफेयर के नोट्स हैं, इस तरह से नोट्स मिलेंगे, तो आप लोग ग्रुप में जाकर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर और ग्रुप में एक ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जहाँ पर आप जाकर के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है जाकर के पूछ सकते हैं, आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो भी आपका दूर किया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, देखिए आजकल इंटरनेट के दौर में आपको इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल है, मतलब स्टडी मटेरियल की कहीं भी कमी नहीं है। तो क्या होता है, आप लोग उलझ जाते हैं, इतने सारे रिसोर्स इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो मैं आपको हमेशा रिफर करता हूँ कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल। आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहां पर हजारों की संख्या में आपको पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, लेकिन इस ग्रुप में मैं सिर्फ लिमिटेड स्टडी मटेरियल दूंगा,
जिससे आपके अंदर भटकाव ना आए। ओके, तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल को हम लोग मल्टीपल टाइम इसको पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे तो ज्यादा आउटपुट देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट की 10 बुक पढ़ रहे हैं, बल्कि एक ही सब्जेक्ट की हम लोग एक ही बुक पढ़ेंगे, दो बुक पढ़ेंगे मैक्सिमम। ओके, और उसको 10 बार रिवाइज करेंगे, ओके, वो ज्यादा बेटर होता है। ओके, तो हम लोग इसी जो हमारी इस सारी चीजें इस पेपर चलेंगे, और साथ में आप लोग देख सकते हैं ये प्रीमियर जो प्रीमियर ग्रुप है इसी में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के लिए आपको एक इस तरह के आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इस आई कार्ड को कैसे आपको एक आई कार्ड कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको एक वीडियो देखनी है, यूट्यूब पर जाकर के आपको सर्च करना है क्लब आई एस एस स्प्रिंट। जब आप लोग क्लब आई एस एस स्प्रिंट सर्च करेंगे ना, तो आपको इस तरह की एक वीडियो दिख जाएगी। इसको जाकर के ध्यान पूर्वक पूरी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ए टू जेड ए प्रोग्राम क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो इसे भी लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।